I start with the name of Allah, who is most merciful and almighty. My dear sisters, brothers, parents, and my respectable teachers, Assalamu alaikum. My name is Huma Gul. I read in class 6 in Nadik style school. Today, the topic of my presentation is living and non-living at present. Living things जानदार चीज़ें and non-living things बेजान चीज़ें. Living things, for example, human beings, plants, animals, birds. And non-living things, table, chair, stick, blackboard. इसी तरह living thing, living things. Open this chart, please. वो वाला भी खोल देना. Living things जैसे tiger, plant, parrot, and boy. Non-living things chairs, love, pencil, and book. Living things. Living things are made up of cells. Just as a building is made up of many stones or bricks, all living organisms are made up of cells. The cells are too small to be seen without a microscope. Open the chart, please. जिस तरह एक इमारत बहुत सारी ईंटों या फिर पत्थरों से मिलकर बनी होती है और हमें एक इमारत बनाने के लिए बहुत सारी ईंटों और पत्थरों की ज़रूरत होती है. आप इस दीवार को ही देख लें, इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत हुई है, तब जाके ये दीवार कंप्लीट हुई है. इस तरह तो नहीं है कि आपने दो तीन ईंटें रखी और दीवार कम्प्लीट हो गई. नो, इसी तरह सारे जानदार चीज़ें जो होती हैं वो खुलिए से मिलकर बने होते हैं और वो खुलिए इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आम यानी इंसानी आँख से नहीं देख सकते और उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. माइक्रोस्कोप के जरिए हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं. इसी तरह सेलुलर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में सेल नहीं पाए जाते. फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है तो ये सेल से मिलकर नहीं बनी हुई. इसी तरह लिविंग थिंग्स मूव. मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. व्हाई डू दे मूव? दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड एंड शेल्टर. कैन यू सी एनी प्लांट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स? नो. प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल एट वन प्लेस. They show movements of their part. Roots always grow towards soil and shoot towards light. हरकत जिंदगी की एक खास अलामत है. तमाम जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत बहुत ईजीली हरकत कर सकते हैं और इसी तरह हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम भी एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं. प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स हैं ना, वो इसलिए हरकत नहीं करते क्योंकि वो एक जगह पर फिक्स होते हैं, मुस्तकिल होते हैं और वह अपनी मूवमेंट अपने पार्ट्स के जरिए शो करते रहते हैं. जैसे जड़ें जमीन के नीचे बढ़ती रहती हैं और तना, पत्ते, फल, फूल ये सब ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव. दे मूव ओनली व्हेन दे आर मूव बाय द दे मूव. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव. दे मूव ओनली व्हेन दे आर मूव विद द हेल्प ऑफ एन आउटसाइड फोर्स. ये टेबल पड़ी हुई है, अगर मैं इससे कहूँ कि तुम इधर हो जाओ तो ये नहीं होगी. जब तक मैं इसे खुद एक जगह से दूसरी जगह उठा के ना रखूँ, ये खुद इस जगह से उस जगह तक नहीं जाएगी. जैसे पहले मैं उस चेयर पे बैठी हुई थी तो मुझे लेक्चर देना था तो मैं उठ के यहाँ पे आई हूँ, मैंने मूवमेंट शुरू की है. इसी तरह लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव. जलाशिया सेंस रखते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन डस्ट पार्टिकल गेट इन योर आई? यू क्लोज योर आई इमीडिएटली एंड स्टार्ट रबिंग विद योर हैंड. जब भी कोई दर्द का जरा हमारी आँख में जाता है तो हम आँख बंद कर लेते हैं और उसे मलना शुरू हो जाते हैं. इसी तरह व्हाट हैपेंस व्हेन यू टच अ हार्ड ऑब्जेक्ट? यू पुल योर हैंड बैक इमीडिएटली. जब भी कोई आगे गर्म चीज पड़ी होती है तो हम जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ फेंक लेते हैं क्योंकि अगर हम हाथ आगे करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा. इसी तरह नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सेंस नहीं रखते, मतलब जो भी हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखें या फिर फेंक दें उन्हें पता नहीं चलेगा. इसी तरह वो सेंस नहीं रखते और उन्हें पता नहीं चलता. आई होप यू आर एंजॉय माई प्रेजेंटेशन एंड इंटरेस्टिंग अबाउट दैट. वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग?
वायरस लिविंग में भी आता है और नॉन लिविंग में भी आता है। अगर अपनी से लिविंग में रखें तो लिविंग और